सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब मजे में होंगे। मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित गायकवाड़ एरोंस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। कोई डीजे या फिर प्रोग्राम हो, उसमें बेस के सिवा मज़ा नहीं आता। इसके लिए आपका ख्याल रखते हुए हमने एरोंस की तरफ से आपके लिए लाया है 18 इंची बेस, जिसका मॉडल नंबर है SUB 828। लेकिन इस प्रोडक्ट के बारे में बताने से पहले बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम इस प्रोडक्ट के बारे में टेक्निकल इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं और इस प्रोडक्ट का लाइव डेमो भी देने वाले हैं। तो हम नहीं चाहते कि आप ये मिस करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस बेस में हमने 18 NEO 1200 ये स्पीकर यूज़ किया है। ऐसे ही 2 स्पीकर यूज़ किए गए हैं। इस स्पीकर के बारे में जानकारी पाने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक कीजिए। यही सेम स्पीकर हमने सिंगल बेस में भी यूज़ किया है, जैसे कि SUB 818। इस प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए भी ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक कीजिए। दूसरा जो है SUB 118A, इस प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए भी ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक कीजिए। हमने आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये तीनों के तीनों लिंक दिए हुए है, तो ये लिंक ज़रूर देखिए। तो आइए हम सब 828 इस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। ये 18 इंची पैसिव सबवूफर है। इसका RMX पावर 2400 वॉट है, पीक पावर 9600 वॉट है। इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस 35 हर्ट्ज से लेके 150 हर्ट्ज तक है। इसका इम्पीडेंस जो है 4 ओम्स है। इस बेस का फील यानी कि पंच और वाइब्रेशन जो है वो लॉन्ग थ्रो पे भी मिलता है और बेस के सामने यानी फ्रंट साइड पे भी मिलता है। ये बेस आप इंडोर इवेंट्स, आउटडोर इवेंट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लाइव साउंड, DJ या FOH के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये बेस आप मीडियम लेवल इवेंट से लेके लार्ज लेवल इवेंट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इस बेस को बनाने के लिए हाई क्वालिटी बर्च प्लाईवुड यूज़ हुआ है और पेल्यूरा पेंट का भी इस्तेमाल किया गया है। तो आइए हम इस बेस का आपको क्लोज लुक दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको बेस का फ्रंट व्यू दिखाते हैं। फ्रंट व्यू में आप देख सकते हैं ये बेस का ग्रिल है, जो बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। 4 कॉर्नर्स में भी फोल्डेड डिज़ाइन किया गया है। बहुत मजबूत और अच्छी तरीके से ये ग्रिल डिज़ाइन की गई है। ग्रिल को बीचे बीच आप देख सकते हैं नीचे की तरफ एरोंस का ब्रांडिंग लोगो है। ग्रिल को सपोर्ट देने के लिए बेस की अंदर की तरफ से 3 अलग अलग सपोर्ट दिए गए हैं, ये हम आपको फोटोज में दिखा रहे हैं। अभी हम आते हैं साइड की तरफ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बेस को लोडिंग और अनलोडिंग के वक्त आसानी हो, इसके लिए यहाँ पे दोनों साइड में 2-2 4 हैंडल्स दिए गए हैं। अभी हम बेस के ऊपर की तरफ आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4 कॉर्नर्स में 4 होल्स है और बीच में भी कुछ होल्स दिखाई दे रहे। कोई भी प्रोग्राम या फिर कोई इवेंट के वक्त अगर आपको एक के ऊपर एक बेस स्टैक करना है तो ये 4 कॉर्नर के 4 होल्स यूज होंगे। अगर आप सिंगल 15 की कैबिनेट यूज़ करते हो तो आगे की तरफ के होल्स जो है वो यूज़ होंगे। अगर 15 की कैबिनेट यूज़ करते हो तो बीच वाले होल्स जो है वो यूज़ होंगे। कुछ इस तरह से आपको ये होल्स यूज़ करने हैं। अभी हम आते हैं कैबिनेट के पीछे की तरफ। ये है स्पीकॉन प्लेट, और स्पीकॉन प्लेट पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी बेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। स्पीकॉन में वायरिंग कनेक्शन कैसे करना है वो भी दिया गया है। स्पीकॉन प्लेट में हमने एल्यूमिनियम की प्लेट यूज़ की है, क्योंकि ये लॉन्ग लाइफ चले और जल्दी से जल्दी ख़राब ना हो, यानी कि जंग ना पकड़े, इसके लिए हम लोग यहाँ पे एल्यूमिनियम की जो प्लेट है वो यूज़ करते हैं। अभी हम आते हैं बेस के नीचे की तरफ। आप यहाँ पे देख सकते कि ये बेस के नीचे की तरफ बफर लगाए गए, क्योंकि जब भी हम ग्राउंड लेवल पर स्टैक करते हैं तो हमारी कैबिनेट जो है जल्दी से जल्दी स्क्रैच ना आए और डैमेज ना हो, इसके लिए हम लोग यहाँ पे बफर्स यूज़ कर रहे हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं बेस का इंटरनल व्यू। तो आइए हम आपको बेस की अंदर का यानी कि इंटरनल व्यू दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आप देख सकते हैं ये जो वायर है ये स्पीकर केबल है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हमने यहाँ पे ये वायर यूज़ की है, और आप देख सकते हो स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे हमने इसके ऊपर सोल्डरिंग भी लगाया हुआ है। अभी हम आपको आते दिखाते अंदर की तरफ से। आप देख सकते हैं यहाँ पे एकोस्टिक फोम भी लगाया गया है कैबिनेट के अंदर, और कलर भी बहुत अच्छी तरीके से पूरा किया गया है। किसी भी तरीके का क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है इसके अंदर। नहीं।
ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।